मुबारक हो। ओके सो यू नो द ड्रिल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, जैज का चीज़ी पैसा रास्ते पर करें, और ये गाने भी गाता है, 500 रुपये आप भेज दें तो ये आपको गाना भी गा के सुना देगा। अरसे हो गए तुमने गाना नहीं सुनाया। हाँ, और जो लोग ऑलरेडी पैसे भेजते हैं और पेट्रन्स हैं, पप्पी हमेशा मैं ऐसे ही दे दिया करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंट्रो वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद रियली फजूल न्यूज़। ठीक है, और फजूल न्यूज़ ये फजूल न्यूज़ नहीं यार, अल्लाह का वास्ता क्या हो रहा है यहाँ पे। फूड अथॉरिटी जो है, बड़ा मुझे ना ये डिपार्टमेंट पसंद है, बड़ा ही काम करता है। ठीक है, आपके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन के बाद, उसके बाद ये फूड वाले आते हैं। ठीक है, इन्होंने छापा मारा कोल्ड स्टोरेज से, इन्होंने 13,000 गंदे अंडे निकाले हैं और 900 किलो जो है गंदा दूध वहाँ पर पड़ा हुआ था। मुझे ना गंदे अंडे की वैसे पहचान नहीं है ली। अच्छा क्या होता है उनमें? मेरा ये ख्याल है कि जो अंडा खराब हो जाता है जी वो भू मार जाता होगा। अच्छा, और मैं इस पे जो है ना सिर्फ दो चीजें सोच रहा था कि एक तो ये कि वो जाहिर है अगर वो बिकेगा, आप उसको घर ला के अगर अंडा शंडा बनाओगे तो वो तो आपको पता लग जाएगा, आप जाके बाकी वापस करा दोगे, दुकानदार का नुकसान हो जाएगा, वो उनको वापस करेगा उनका नुकसान हो जाएगा। मतलब वो तो वैसे ही शायद वो बेच ही नहीं सकते, या फिर शायद उस गंदे अंडे मीठों में पता ना लगता हो, क्योंकि आपको पता है हर मीठे में अंडे जरूर डलते हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी बेतहाशा होते हैं। तो शायद वहां पे ये निकल जाते हों और पता ना लगता हो। बाकी जो अथॉरिटी है वो एक ये काम कर सकती थी कि बजाय के तल्फ करने के इनको जलसों के लिए दे दिया जाता। गुजरा वाला भेजे आप, लॉन्ग मार्च होगा तो इमरान खान को तो वहां पे जाना पड़ेगा, उन्होंने पहले भी अंडे मारे थे। फैसिलिटेट, हाँ, मतलब पते जो जलसा कर रहा है उसको भी दे, जो जलसे के गेस्ट है उसको भी दे, सब मारे में अंडो अंडी हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब आपने जाया कर दिया तो है, तो एक एग्रेशन निकालने का जो है आपको एक तरीका मिल जाएगा। ठीक है, वेरी, और जिसमें ज्यादा जाहिर है खूनो खराबा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड वे टू, मतलब वो पिलो फाइट्स तो हो नहीं सकती ना आप सड़कों के ऊपर, तो अंडे ही रह जाते हैं, इससे पहले कि वो वटे चुके मारे तो बेहतर। हाँ, इस पे वैसे वो किसी की ट्वीट थी वो बड़ी अच्छी थी कि यार ये फिल्मों में किस किस्म के तकिए होते हैं कि जब उनको एक दूसरे को मारते हैं तो वो पर हवा में उड़ते हैं। हमारे घरों पे जो तकिए हैं वो किसी को मारो वो 10 मिनट के लिए कोमे में चला जाता है। कसम से वटे रखे हैं हमें, और अगर वो वटे नहीं होते ना तो एक तकिए के साथ दूसरा तकिया अंदर गुलाब में घुसा दिया जाता है कि वो जो ना सख्त हो किसी तरह से। अल्लाह जाने तो कैसे आती है सख्त तकिए पे। मैं तकिए लेती नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं कॉन्सेप्ट पता कि क्या सीन है। खैर, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है लाहौर में ना, दिस वाज ट्वीटेड बाय अर्शद चौधरी ऑन थर्सडे व्हिच मेक्स इट ऑन वेनसडे। बेसिकली वेनसडे के दिन जो है 309 जो है वो चोरी की वारदातें हुई हैं लाहौर शहर के अंदर। अली, चोरी डकैती मिक्स, जी जी वही जो आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अली, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं यहाँ से अकेली जाती हूँ, ठीक है ना, और आपने मुझे अभी तक रोक के रखा हुआ है, आप थोड़ी गुंजाइश निकाले ना मुझे। एक तो ये है कि जाहिर है इसमें सिर्फ गाड़ियों की या बाइक्स की वारदातें नहीं थी, इसमें घरों के अंदर फिर कमर्शियल उसमें भी ये सारा कुछ मिला के था लाहौर में। दूसरा ये है कि बाहर, वैसे तो एक तो अल्लाह सबको महफूज रखे, दूसरा सब जितनी ख्याल कर सकते हैं वो करें, तीसरा ये है कि वैसे तो कोई सेफ नहीं है, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत जिसके किसी के चांसेस कम हैं तो वो आपके कम हैं, कम से कम गाड़ी में लुटे जाने के। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी को देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतनी दफा ट्रिब्यूट पेश कर चुके हो ना मेरी गाड़ी को, अभी वो फिर उस दिन ठुकी है, पता नहीं क्यों मार के चला गया। किसी दिन हम तस्वीर लगा देंगे प्रोग्राम में तुम्हारी गाड़ी के, तो आप उससे अंदाजा लगा ले। और मैंने उसको ठीक कराने का भी नहीं सोचा, बिकॉज एट सम कॉर्नर ऑफ माई माइंड आई ऑल्सो थिंक कि जिस दिन अगर वो ठीक हो गई तो शायद लोग उसको नोटिस करना शुरू कर दे। राइट नाउ दे जस्ट, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, वो भाईजान जो होते हैं ना वो मुझे कहते हैं तुम्हारी गड्डी लगी हुई है, तो मैं कह रहा मैंने पता है, मैं लेके फिर नहीं पई हूँ, 2 साल हो गए ना, कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, अच्छा जी, ये जो खबर है ना ये मैं आपको बताऊँ कि तितली घर जल्लो पार्क में यहाँ पर था, इट वॉज क्लोज्ड फॉर 2 ईयर्स ड्यूरिंग कोविड, और अब वो खोल दिया गया है। जरूर जाके देखिए, वहाँ पर बोटैनिकल गार्डन भी है ना।
हाँ मेरे ख्याल में। अच्छा फिर भी बात है कि आई डोंट नो कि ये हमने इस पर खुश होना है या नहीं होना, क्यों इसमें खुशी वाली क्या बात, क्योंकि नहीं बात ये जल्लों में था तितली गार्डन, और ये पता नहीं बड़ी बड़ी बात है कि हम तो वैसे जनरली जूज शूज के ख़िलाफ़ हैं। अब मैं कभी यहाँ पे गया नहीं, अगर तो ये बहुत बड़ी जगह है और तितलियों को लेफ्ट होने का मौका but... मिलता है तो ठीक है, अगर वो बंद है ग्लास टाइप है तो पता नहीं, आई डोंट नो, तितलियों से नहीं पूछना चाहिए ना, उनका भी तो कंसेंट लेना चाहिए कि मतलब, हम आपको रख लें तितली गार्डन में। हाँ मतलब वो बाहर वैसे सेफ ही, उसके अंदर सेफ ही रहेंगे, वहाँ पे पूरा आई बिलीव कि बोटैनिकल गार्डन जो वहाँ पे बना हुआ है ना उसी के अंदर उन्होंने वो छोड़ी हुई है, एंड दैट्स अ ह्यूज बोटैनिकल गार्डन बाय द वे, जरूर जाएगा, इट्स रियली नाइस। अच्छा जी ये मैं आपको बताती चलूँ कि स्कूल्स वर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन सोलर, ठीक है, सरकारी स्कूल थे ना, उसके लिए 2 अरब का जो फंड है ना वो पे आया है, लेकिन उसको बहुत अरसा गुजर गया है और हमारा ये ख्याल था कि अब तक मसला हल हो गया होना, और वो ये कि कुछ स्कूलों में जहाँ पे लगाए थे ये और वहां से चोरी हो गए पैनल और दूसरा सामान इन्वर्टर वगैरह, तो इन्होंने फैसला ये किया कि अब पहले गार्ड रखे जाएंगे जी, और फिर जिस स्कूल में गार्ड आ जाएंगे उस स्कूल में लगाए जाएंगे ताकि फिर वहां से चोरी ना हो सके। अच्छा अब इतने महीने हो गए इस बात को, ना गार्ड आया है ना 2 अरब पड़े हैं, और ये अब आपको बता रहा हूँ अगले जुलाई में आपको खबर मिलेगी कि जी वो फंड इस्तेमाल नहीं हुए और वापस कर दिए हुकूमत को, क्योंकि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था उससे इस्तेमाल ही नहीं। मुझे पड़े हुए फंड्स मुझे इतने ज्यादा चुभते हैं ना, मुझे अपने भी पड़े हुए पैसे बहुत ज्यादा चुभ रहे होते हैं, मुझे तो कहीं लग जाए ठीक है कुछ आ जाए, हाउ लाइक व्हाट इज दिस सिस्टम इज जस्ट बियॉन्ड मी, लाओ दैट वैसे सोलर पे रोले पड़े। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि स्कूल तो एक ऐसी चीज है जो ऑपरेशनली दिन के वक्त होती है जी, तो वो तो आज सोलर अगर हो जाए तो अगले 10 साल तो उनकी तो जिंदगी की टेंशन ही खत्म है ना। आपको पता है कि जो हेडमास्टर्स वगैरह हैं स्कूलों के वो एक्चुअली कर्जे ले लेके जाती बुनियादों पे स्कूलों के बिजली के बिल दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ग्रांट आई नहीं, बिल आ गए, वो लेस्को और ये बाकी जितने हैं वो मतलब इदारे वो बिजली काटने को फिरते हैं, वो उनको बता रहे हैं कि नहीं नहीं आ जाएंगे अभी फंड, वो ये चीपो गरीब से सीन चल रहा है आजकल। खैर आई डोंट नो मैन, पता नहीं क्या करना है इन्होंने। अच्छा जी मैं आपको बताती चलूँ कि सर्वे हुआ था अडल्ट लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ का, और उसके अंदर पाकिस्तान इज टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, और वो है 30.8% जो अडल्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। वो दूसरा जो मुल्क है ना उसका मुझे नाम नहीं बोला जा रहा, मुझे माफ़ कर दें, तीसरा मुल्क जो है वो कुवैत है 24.9% के साथ। अच्छा यहाँ पे बात कर रहे थे इसी खबर के अराउंड बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन 1 मिलियन हेक्टर्स का जो एरिया है ना वहाँ पर ये गन्ना ही लगता है, शुगर प्रोडक्शन में आपको पता है उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। डोंट यू थिंक दैट दिस इज टाइम टू एक्चुअली डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड नॉट स्टिक टू दिस, एक तो वैसी चीनी फक फक के साड़ा बेड़ा गर्क होया है, एंड दिस इज बाय द वे चीनी फकने में ना इससे पहले कि आप लोग मुझे ये कि गरीब तबके के लिए एनर्जी की सोर्स यही है, मैं उनको नहीं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे यही कहते हैं कि बाजी असी वो पीने हैं तो साड़ा पूरा दिन जरा चलता है, वरना हमारे पास इतना खाने को भी नहीं होता। देखिए बात ये है कि बिल्कुल आगे बात ठीक है, और उसकी वजह ये नहीं है कि हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, वो तो लाइफस्टाइल की बात है ना, वो तो अगर आज हम चीनी बनानी बंद भी कर दें और सारी ब्राज़ील से मंगवा लिया करें तो भी जिसने खानी है वो तो खाता रहेगा, लेकिन जितना ये पानी का दुश्मन है वो ज़ाहिर है हमें बदलने की ज़रूरत है। अच्छा दूसरी चीज़ इसमें ये है कि वो हम बदलते इसलिए नहीं है क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ा लुक्रेटिव जो बिजनेस है वो है ही शुगर मिल, तो यहाँ पे जो भी सियासतदान जो ज़्यादा बड़े बन जाते हैं उनको सबसे पहले क्या होता है कि उन्होंने शुगर मिल का लाइसेंस बांटना होता है, तो इस वजह से ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, वरना तो ये जितना सरकार को शुगर की वजह से नुकसान होता है मतलब हम अगर बनाए ही ना और सारी की सारी ब्राज़ील से इंपोर्ट करने तो एक्चुअली सस्ती पड़ेगी इन लोगों को भी, कंज्यूमर्स को भी और सरकार को भी, तो मतलब फिर पानी का कुछ करो। हाँ तो वो तो खैर वो तो ऑब्वियस रीजन है जिसकी वजह से नहीं हो सकता। अच्छा जहाँ तक डायबिटीज की बात है एक तो जाहिर है वो उसमें लाइफस्टाइल भी होगा, एक तो ये हम डॉक्टर्स नहीं है हम एवी टेबल लगा रहे हैं, एक तो जाहिर है कि लाइफस्टाइल के वर्जिश वर्जिश नहीं है लोगों की और खाबे ज्यादा हैं, और अब क्योंकि खुराक अवेलेबल इतनी ज्यादा है मतलब अब गरीब से गरीब बंदे को भी मतलब खैर यकीनन कई लोगों को होगा लेकिन अब गरीब लोगों को भी खाना वाला उतना मसला नहीं है, वो काफी हद तक कवर हो जाता है,
और ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी सिर्फ दो वक्त की रोटी तो नहीं है ना जी। तो वो सारे मसाइल हैं। तीसरा इसमें ना एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अभी आप अब टेस्ट तो कोई भी जाके करवा लेना, अगर वो डायबिटिक नहीं भी है तो प्री डायबिटिक तो वो आएगा। हाँ, बाय द वे दैट्स हैपनिंग अ लॉट एक्चुअली। उसकी वजह हाँ। उसकी वजह ये है कि वो आज से 10-15 साल तक जो बंदा बिल्कुल जिन वैल्यूज पे बिल्कुल ठीक था ना, उन वैल्यूज को अब प्री डायबिटिक कर दिया। सो वो कम से कम मतलब कोलेस्ट्रॉल में भी यही है, इसमें भी यही है, वो सारा कुछ ना कम से कम करते आ रहे हैं। और उसकी वजह क्या है कि आपको जल्दी शुरू करा दें एंटी कोलेस्ट्रॉल पे भी, आपको जल्दी शुरू करा दें इस पे भी, आपको हर चीज पे जल्दी शुरू करा दें। ड्रग्स के अलावा वो डॉक्टर्स को जो ये होते हैं ना कि रात 2 बजे हमें इमरजेंसी में क्यों बुला रहे हो, तो काम करो की हो गया तुसी, और की करना है, कौम मुल्क की खिदमत नहीं करनी। ये नहीं था मोटिव आपका। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान का तो बल्कि प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है ऑफ कोर्स, लाइक बाहर की ये जो वैल्यूज एडजस्ट होती है हमारी, क्या औकात है कि हम यहाँ पे एडजस्ट करते फिर, ऑफ कोर्स बाहर वाले करते हैं, बट दैट्स लाइक दे वांट टू सेल द ड्रग्स और व्हाटएवर। मेरा कोलेस्ट्रॉल हमेशा बाहर आता है, मैंने उसी से ही मरना है, मैं नहीं खा रही दवाई। हाँ, वो वैसे भी वो तो कई लोगों को तो वो सूट भी नहीं करती, दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन वो आप अमेरिका वगैरह में तो 40 के होते नहीं तो वो कहते हैं कि ओहो ये एंटी कोलेस्ट्रॉल तो आप शुरू करें ना, आपने 2:30 बजे इमरजेंसी नहीं आना। अच्छा जी, अच्छा गाइस, सो द नैप के जो वो जो यही लिमिटेशंस और ये जो वैल्यू वगैरह उसके अंदर वो केस इज अंडर कंसिडरेशन एट द हाई कोर्ट, और उसके अंदर वो बात की जा रही थी कि 49 करोड़ तक की जो उन्होंने वो लगाई हुई है लिमिट के आप वहाँ तक करप्शन कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना हम उसका कंसिडर करेंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मतलब ये क्या है, अब इसके ऊपर बहस चल रही है इस टाइम पर। इस पे जाहिर है मैं हम बात डिटेल में नहीं करना चाहते ना कर सकते हैं क्योंकि इसलिए तो मैं ज्यादा छेड़ नहीं रही हूं। अदालत में चल रहा है ना मामला। सॉरी गाइस। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें जाहिर है इसमें प्ली बार्गेन वाला भी मसला है जो पीटीआई उसके अंदर लेके गई हुई है, उस पे भी हम कोई बात नहीं करना चाहते। अच्छा, ये वाली जो एक पर्टिकुलर बात है ना, ये क्योंकि जस्टिस साहब ने तो आपकी इजाजत हसन साहब ने, वरना उससे पहले भी आम आवाम में व्हाट्सएप पे और इधर उधर बहुत चल रहा था, तो इसलिए हम इस पे वो कर लेते हैं कि ये कोई इतनी अजीब बात तो नहीं है कि जी वो मतलब एक आपने कोई ना कोई फिगर अगर किसी भी चीज़ में रख लो, अगर वो 33 करोड़ पे होगी कि जी 33 करोड़ से ऊपर की चीज़ फलाने की जो रिस्ट्रिक्शन में चली जाती है तो फिर वो लोग कहेंगे कि फिर 32 तक ठीक है, अगर वो फलाने की, ओ भाई उससे नीचे में क्या उसको एग्जेम्पशन मिल गई है, नहीं क्या कोई और इदारा कोई कर रहा है? और सजा, हेलो, नहीं सजा के अलावा ऊपर नैब के अलावा कोई और इदारा है जिसकी वजह रिस्ट्रिक्शन बनती है। हाँ। इसके बिल्कुल उसी सो जब नैब थी ही नहीं तो क्या करप्शन माफ थी? अब भी कुछ ना कुछ तो होता था ना, इतने सारे इदारे ये 49 वाली जो फिगर है ना वो अक्सर देखते नहीं हैं जो सेल होती है 99 रुपीस, नहीं तो हम ऐसे कर दिए ना कि मतलब हम ना डिफेंड कर रहे हैं ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं तो करप्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो है ना कि उन्होंने अगर ये असेंबली ने वो किया है कि जी 50 करोड़ की अगर या उससे ऊपर की होती है तो फिर नैब की जो रिस्ट्रिक्शन वो आएगा, उससे नीचे वो नहीं आएगा, तो वो कोई ना कोई वो तो एक फिगर है तो उसके नीचे माफ थोड़ी है कि मतलब व्हाट। एनीवे, अच्छा जी, ये उन्हीं की टॉकी वो टॉकीज हैं, ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो खुद ही बता देंगे उन्होंने क्या करना है इसका। अच्छा जी, उमैरा मलिक का बयान आया है कि मुझे बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट नहीं है कि मैंने इमरान हाशमी के साथ काम किया, तो इसमें एम्बैरेसमेंट वाली क्या बात है? वो बंदा जो है ना वो बेसिकली वो वाला बंदा है कि वो कुछ भी ना कर रहा हो ना फिल्में, जो कि ज़्यादातर तो चुमिया ही कर रहा होता है, कोई म्यूज़िक होता है उसकी मूवीज़ का, probably gets the best possible music and everything else. और अगर वो चुमिया चाटियान के साथ कर भी रहे थे, so what? This is the requirement of artists. में embarrassment वाली क्या बात है? बिल्कुल भी नहीं। उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है वैसे? अच्छा, मुझे मैंने वो फिल्म नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इनका रोल था या क्या वो कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मतलब जो आप चुमिया चटियाँ कह रही हो मुझे वो नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये जो खबर है ये मैंने पढ़ी है, इसमें जो है दूसरी वाली जो इनकी लाइन थी ना हुमायमा की, वो मुझे बड़ी पसंद आई कि इन्होंने कहा ना मुझे शर्म नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ऐसी ही लड़की का रोल क्यों पसंद आता है जिसमें वो दुखों की मारी होती है और हाँ। वो सास से कुटे खा रही होती है। उफ़ अल्लाह, ये वनीजा अहमद ने भी यही कहा है कि आप लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि औरत है ही मजलूम,
मतलब आई सॉ दिस ड्रामा आई सजेस्टेड एज वेल अतीका ओडो का राहत काजमी का काफ़ी पुराना था इट वॉज अ टेली प्ले थोड़ा सा था ठीक है छोटा सा और उसके अंदर इतनी बोल्ड इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी इंडिपेंडेंट औरत उन्होंने अतीका ओडो को दिखाया हुआ है होम से मैं रात ही एक ड्रामा देख नहीं पाई सा अच्छा सो आगरा गुजर गई अगले दिन जो है उर्वा जो है वो गई है उसके पास अली के पास और उनको जाके वो कहती है मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ अली साहब के एकदम से मोबाइल बजना शुरू हुआ है और वो कहते हैं हेलो बेटा हाँ पापा बात कर रहा हूँ एंड उर्वा सकते में चली गई कि तू प्योस है और ही इज एक्टिंग लाइक इट डजंट मैटर ठीक है और वो फिर सास आ रही है भागते हुए कि तुम्हें यही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी हम तुम्हें शादी कर देना इट्स टू मच सीरियसली स्टॉप मेकिंग दीज ड्रामाज इससे बेहतर है कि हम इमरान हाशमी जैसे कोई रोल्स करना शुरू करते हैं अच्छा जी आगे चलते हैं वैसे वैसे पता नहीं क्यों आप लोग इतने दुखी ड्रामे देखते हो मैं तो नहीं तो मजबूरी है अम्मा जी ने देखनी होती है और मेरी नर्स ने देखनी होती है तो वो मैं ना भी मैं ना देखती नहीं मैं सब कुछ सुनती हूँ मेरे कानों में वो जा रहे डायलॉग जा रहे होते हैं क्योंकि 80 पे वॉल्यूम होता है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ ड्रामे जो बड़े ज़बरदस्त हैं बगैर दुखी मतलब वो पाकिस्तानी नहीं है और आप वो देखें बेताशा ड्रामे है मतलब ट्वीट करना एक लड़की पिज़्ज़े के पीसेस रख रही थी और पिज़्ज़े के पीसेस लेके अंदर चलेगी तो लड़का बड़ा अपसेट हुआ उन्होंने कहते हैं कि देखा आप लोगों ने क्या कर दिया वो केचप भी नहीं लेके गई आप लोग अपना कौन सा गुस्सा उस पर उतार रहे अच्छा एक तो ये है कि इसको आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि वो लड़का कितना कंसिडरेट था कि मतलब उसके बाप ने बहू को डांटा ठीक है और उसको एहसास हुआ कि मेरे बाप ने ज्यादती की है डांटा भी नहीं था बस केचप उसका मुंह मैंने बना हुआ था तो आप ये देखो कि उसको इस बात से पता लग गया कि वो केचप नहीं लेके गई तो वो और ये इतनी बड़ी बात है मतलब मैं तो क्योंकि जानता हूँ मैं इतने किस्से सुना चुका हूँ मैं आपको दोबारा बोर नहीं करूंगा कि मैं किस तरह मैंने केचप बाहर लेके फिरता था लेकिन जो मैंने परसों किया है कि शोरबे वाले काले चने और रोटी में बीच में मैंने केचप ऐड की है बहुत खूबसूरत आई लव केचप मेरे हर बर्गर हर चीज के अंदर अक्सर मैं खाली जो है रोटी के साथ केचप कहती थी कि शोरबे के अंदर केचप खुद ये तो बर्बाद शोरबा सही नाम रखा हुआ था ना मैंने लिटरली एओ वैसे पता नहीं कैसे आपको पसंद आया बट एनीवे चलिए खैर आपको है वैसे बाय द वे अगर आप इसके साथ पिज्जा खा रहे हैं ना या आते जाते एम ही उस पर केचप डाल के ना चला जाएगा आपकी प्लेट के अंदर भी ये इसकी सर्विस ये है प्रोविजन है अच्छा जी अब बात कर लेते हैं अब्दुल्ला कुरैशी लेफ्ट द म्यूजिक इंडस्ट्री ही वाज इन परफॉर्मिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उन्होंने नया गाना अब्दुल्ला कुरैशी का मैंने उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी उनका गैप आया था नहीं 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 अब्दुल्ला कुरैशी मेरा दोस्त है वो रेगुलरली शोज कर रहा है नहीं वो कह रहे थे कि उन्होंने खुद कहा है कि आप लोग पूछ रहे थे कि मैं इतने दिनों से गायब कहाँ था तो आई अज्यूम्ड ही वाज गायब ठीक है खैर एनीवे उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया है और उनकी अवेकनिंग इस टाइम पे चल रही है इसके ऊपर बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स भी आए थे एंड मैं भी कुछ चीज़ों के साथ एग्री भी कर रही थी कि जो है वो ये काफ़ी लोगों ने ये कहा कि व्हेन यू लीव म्यूजिक यू प्रटेंड मतलब यू इस ट्राई टू इम्प्लाई दिस फैक्ट कि जी ये कोई ख़राब चीज़ है जो हम छोड़ के जा रहे हैं और आप बाकी सबको एक विलन सा फील करवाते हैं फॉर कंटिन्यूइंग विद द म्यूज़िक मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन की आपकी अवेकनिंग हो गई है लेकिन हमें इस तरह से फील ना कराएं मुझे ये समझ नहीं आती वो क्यों फील कर रहे हैं सारे किसी ने छोड़ दिया तो छोड़ दें आप म्यूज़िक कंटिन्यू करें आपको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से हाँ मैं तो यही कहूँगा कि अब्दुल्ला कुरैशी को बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स और वही बात है वो उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने वो कर लिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो उनको इस वक्त ठीक लगा उन्होंने वो कर दिया जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक लगता है एग्जैक्टली मतलब ये बड़ा सब्जेक्टिव सी और चॉइसेस हैं ठीक है इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बिलीव करते हैं कोई क्या बिलीव करता है आप कंटिन्यू रखें म्यूजिक उनको रहने दें जो वो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में अच्छा जी आई थिंक दिस इज इट ये वाला मैं अभी छोड़ रही हूँ हमारे बहुत स्टीरियोटाइप्स इस तरह के हैं ये मैंने सारी कर ली है ठीक है स्टीरियोटाइप्स इस तरह के बहुत सारे हैं तो ये जो कॉन्वर्सेशन आई थी जिसमें शर्जील मेमन साहब ने कहा था कि आजम खान ने मुझे बाथरूम में बुला लिया अपने साथ फिर फवाद चौधरी साहब ने उस पर कहा कि पठान के साथ जो आप बाथरूम में हैं ये बड़े मतलब डर की बात है एंड फलाना टमकाना एंड यू नो द शो कंटिन्यूड एंड एवरी वन वॉज लाफिंग देयर एसेस ऑफ एंड ये वो दिस नीड्स टू स्टॉप
ऑनेस्टली लाइक हम लोग ऑलरेडी दे आर वेरी मार्जिनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ जो आप देख ही रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, मैं ज़्यादा बोलूँगी मैं फटी जाऊँगी, लेकिन टीवी पे बैठ के आप एक बिल्कुल उनको कॉर्नर कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा के इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, और स्टीरियोटाइप को यूज़ करके. मुझे समझ नहीं आता फवाद चौधरी के फिल्टर्स नहीं है, व्हाई इज़ ही सो अनहिंज्ड. चले अगर वो हो भी गई, जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि वो मोमेंट पे बंदा कुछ गलत कह भी देता है, सो बाद में शो के बाद में काशिफ अब्बासी साहब ने तो माजरत कर ली. तो मेरा ही ख्याल है कि ये भी कह देते कि यार वो सॉरी गलती से उस जुमला निकल गया, तो माजरत कर लें. मतलब वो ना उनकी तरफ से एक तो अपॉलॉजी भी नहीं आती ना, वो भी डट जाते हैं, डट के खड़ा है कप्तान वाला सीन उनका भी हो गया. मतलब वो हमें अंदाजा है कि उन्होंने लाइट मूड में ये बात की, उन्होंने शायद ही नेवर मेंट इट या ऐसा कुछ, क्योंकि बाहर ऐसे बंदे ऐसे मौकों पे हमसे हम तो हैं ही कॉमेडियन, अपने आप को यह समझते हैं हम, कुछ ना कुछ निकल जाता है बट रोज निकलता है, तो बस वो गलती हो गई यार, बट ठीक है आगे चलें, तो वो बस यही है. एनीवे गाइस दिस इज इट फॉर टुडे. हूं मैं मंडे तक नजर नहीं आ रहा, मैंने घर से भी बाहर नहीं निकलना, मेरी बस हो गई है. ठीक है, तो आप लोग प्रोग्राम देखें, इंजॉय करें, क्रिकेट पसूड़ी भी आएगा, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ देखें और देखते रहें. जितने हमारे पेट्रन्स हैं, थैंक यू सो मच, लव यू, खुदा हाफिज़. बाय बाय.